पठानकोट के हल्का भोआ के कस्बा तारागढ़ में यूथ कांग्रेस के प्रधान कुलजीत सैनी ने हल्का विधायक जोगिंदर पाल की रहनुमाई में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाया। इस मौके पर विधायक जोगिंदर पाल व यूथ कांग्रेस के प्रधान कुलजीत सैनी ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला इसलिए जलाया गया है क्योंकि इस मुख्यमंत्री व इसके प्रशासन ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके विरोध स्वरूप उन्होंने आज हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। जड़ा पुतला फूकिया गया, मैं ते बाबे नानक अगे अरदास करदा, ये ते आपां पुतला बना के ते फिर फूकिया खट्टर दा, जड़ा हरियाणा दा मुख्यमंत्री है, बिल्कुल उस बंदे नूं इंसानियत ही उहदे चों खत्म हो गई है। साडे जिहड़े पूरे देश दे किसान, साडे पंजाब दे जिहड़े अन्नदाता किसान, उन्होंने पहले शंभू वैरियल तो रोक के उन्हों की लाठीचार्ज करके सियाल के दिनों के उन्होंने पानी दुछारा मारी गई, और जो नहीं मने ये देश का साढ़े पंजाब का जोड़ा किसान है ये थोड़े किते परवाह नहीं करता, ये जेले उन्होंने वैरीगेट तोड़ के ते दिल्ली वैरियल तक पहुँच गए, तो वो मतलब सारा दिल्ली घेर लिया सारे किसानों ने, तो अज जोड़ा खट्टर है किसानों के प्रति इस तरह के शब्द बोलता पिया, वो कह रहा है ये खालिस्तानी ने, ये फलाने ने, ये फलाने ने। मैं इन पूछना चाहना कि प्यो दे पुत्रा जेले तेरी जनानी सवेरे रोटी तेनू पका के खिलाती है उले तेनू किसान याद नहीं आता कि किसानों के खेतों के विचों कणक आई तो उस कणक का आटा बनया, उस आटे के नाल तेरी रोटी बनी तो रोटी तू खाधी है, तो जिन्हें लोगों ने जिन्हें किसानों ने मेहनत करके ये रोटी पैदा की अज उन्होंने तू खालिस्तानी कही जान दिया, उन्होंने किसानों तो कही इन्हें राजनीतिक पार्टी के बंदे है, राजनीतिक पार्टी के असी हो सकते हैं, मैं भी किसान है, पर यू बीजेपी सरकार मोदी सरकार थोड़ी बहुत लज्जा चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म चाहिए है, ये कानून बनाए जाते लोगों वास्ते, अगर लोगों कानून नहीं चंगा लगता तो कानून में वापस लाना चाहिए, तो मेरी मोदी साहब अगे तो बीजेपी की सरकार अगे ये बेनती है, अगर तुसी राज करना है तो मैं लगता भी हुण तुहाडा अंत होण ते आ गया, तुहाडा पाप का घड़ा जिहड़ा भरिया गया ये घड़े के उत्ते डांग जिहड़ी है ये किसान दी वजणी है, तो तुसी बिल्कुल नहीं बचना, मेरी बेनती है जिथे जिथे भी मेरे जथेबंदियां किसान डटे ने डटे रहो, और जिहड़ा जिहड़ा भी बंदा किसानों की मदद करना चाहता है वो दिल्ली जा के उन्हां दा साथ दिओ, असीं साडा जिन्ना बनदा असीं ते साथ देण दे आ, ते मेरी सारे अगे बेनती है एक अन्नदाता किसान है जिहड़ा, ये किसे टाइम साडे लाल बहादुर शास्त्री दा नारा सी जय जवान जय किसान, ते जे अज किसान मार दिता ते फिर किसान अपने जवान कितों आएगा, इस करके मेरी बेनती है किसान भी बचना चाहिए तो जवान भी बचना चाहिए, देश भी बचना चाहिए तो सूबा भी बचना चाहिए, बहुत बहुत सारे का थैंक्स है, जिन्हें भी लोग मेरे भैन भरा आए थे सारे का तुहाडा सारे का थैंक्स है, जय अज का प्रोग्राम लिखा गया यूथ कांग्रेस वालों खट्टर हरियाणा के जिहड़े सीएम साहब ने उन्हों का पुतला फूकिया, तो ये साढ़े विशेष तौर पर साढ़े विधायक श्री जोगिंदर पाल जी शामिल होए हैं, तो इन्होंने लोगों को दसिया कि जी किसान मारू सरकार धक्का कर रही है दिल्ली में, हरियाणे के साढ़े पंजाब के जिहड़े इतों के जवान किसान उत्थे गए हैं अपने हक की लड़ाई लड़न, लेकिन ये जिहड़ी सरकार है ये धक्का कर रही है, क्योंकि तुसीं हमेशा देखिया जिहड़ी बीजेपी सरकार है ये लोग मारू नीतियां बनाती है तो लोगों का नुकसान करती है, चाहे वह इलैक्शन का टाइम होए तो चाहे अज इस तरह का किसान बचाने का टाइम है, इन्हों किसान का साथ देना चाहिए ना कि किसानों उत्थे बैरियर रोक के तो उन्होंने पानी दियाँ बिछारा करके कई बंद सट्टा लग गई, इन्होंने उन्हों का पता लैन के अलावा खट्टर सरकार ने उन्होंने बेरहमी जुलम किए है, इदा सारी ही यूथ कांग्रेस के भोए हल्के की कांग्रेस की जी समुची टीम है वख वख जगह पर मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकेगी तो केंद्र सरकार नूं इहदे बारे दसेगी।